गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज बरेली की ओर से बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड में टॉपिक आज का हमारा है रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, उसका क्या रोल है, किसमें, डाइजेशन में, इन डाइजेशन, इन डाइजेशन। तो डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ठीक है, लगभग 2 लीटर पर डे क्या चीज, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, टाइनल जूस निकलता है। इस जूस के अंदर डिफरेंट टाइप के या फॉलोइंग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, फॉलोइंग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला है इरेपसिन। क्या है इरेपसिन? इरेपसिन क्या है? इरेपसिन एंजाइम का ग्रुप है, एंजाइम का ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये इरेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को कैसे करता है, इस प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में और फिर पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में और लास्ट में अमाइनो एसिड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप में डाइजेस्ट कर देता है या चेंज कर देता है। इस प्रकार ये इरेप्सिन, ये इरेप्सिन एंजाइम का ग्रुप था, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा एंजाइम है हमारा अमाइलेज। क्या है? अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, क्या करता है, स्टार्च को, स्टार्च क्या है हमारा, पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, यानी कि इसको डाइसेकेराइड में चेंज करता है। कौन? अमाइलेज। तीसरा है हमारा माल्टेज। क्या है? माल्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को, जो माल्टोज बना था, यानी कि डाइसेकेराइड को किसमें, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि मोनो सैकेराइड में चेंज कर देता है। कौन? माल्टेज। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हमारा, अगला चौथा है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करता है। दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं। इन्हें किसमें चेंज करता है, सुक्रेज। तो ये क्या करेगा, सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। अगला हमारा क्या है, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज शुगर को, जो मिल्क शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज ये डाइसेकेराइड होती है, क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है, इसको क्या चीज, लैक्टेज इसको चेंज करता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, यानी कि दोनों को मोनोसैकेराइड में
मोनोसैकेराइड में चेंज कर देता है। इसी प्रकार हमारा है अगला एंजाइम जो है वो है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये फैट पर रिएक्शन करता है और फैट को चेंज कर देता है। लाइपेज ये फैट को किसमें चेंज करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इसी तरीके से हमारा अगला है न्यूक्लियेज। क्या है, न्यूक्लियेज, ठीक है। न्यूक्लियेज क्या है, न्यूक्लियेज के अंदर दो एंजाइम है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोटाइडेज है, ये क्या करता है न्यूक्लियोटाइड को ये डीएनए या आरएनए को तोड़ देता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में यानी कि जितने भी डीएनए में आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन सबको अलग अलग कर देता है। अगला हमारा है फास्फेटेज, दूसरा है फास्फेटेज। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड बने थे, न्यूक्लियोटाइड बने थे और न्यूक्लियोटाइड से जो फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है, उस फास्फेट ग्रुप को सेपरेट कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। अगला हमारा है सी, न्यूक्लियोसाइडेज। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोसाइड थे, न्यूक्लियोसाइड जो फास्फेट अलग हो गए तो न्यूक्लियोसाइड रह गए, कोई फास्फेटेज ने फास्फेट को अलग कर दिया तो बचा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड से किसको, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर प्लस एन टू बेस को क्या करेगा, सेपरेट कर देता है, सेपरेट कर देता है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जब डीएनए था न्यूक्लियोटाइड थे, इसके अंदर ये एन टू बेस थे, ये डीऑक्सीराइबोस सुगर फास्फेट, तो फास्फेटेज ने फास्फेट को अलग कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियस, अब ये क्या बचा हमारा, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, एन टू बेस, डीऑक्सीराइबोस सुगर और फास्फेट, ये तीन होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। फास्फेटेज ने क्या करा, फास्फेट को अलग कर दिया, बचा ये, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम था वो इन न्यूक्लियोसाइड में से जो पेंटोज सुगर थी और नाइट्रोजन बेस थे इन दोनों को भी अलग अलग कर देता है। दैट्स ऑल।